यहाँ पर हमें झिंगापट्टा और चिंगली वाला ये मिर्ची जंगल में मिलता है बस ये वाला जंगल के मशरूम। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से और एक वीडियो में। सो दोस्तों अभी जाएंगे सुबह सुबह मार्केट की तरफ से। मैं वहां पर लगभग हो चुके हैं 7-8 महीने के आसपास, उसे मैं नहीं जा रहा हूं कि वो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, हमारा यहां से काफी दूर है। उससे बोलते हैं कि मिधु बाजार बोलते हैं, हर संडे का पड़ते हैं, उसी में जाएंगे कुछ लेने के लिए। तो पहली बार जा रहे हैं वहां पर ना, पहली बार जा रहे हैं वो, तो वो एक बार भी नहीं गया, तो मैं उसको पहली बार लेकर जाने वाला हूँ मेदू मार्केट की तरफ। गैस तो चलते हैं अभी। हो गया रेडी? हाँ हो गया, तो चल। सो मार्केट में फाइनली पहुंच गया, लेकिन हम लोग बहुत ही जल्दी आ गया, बहुत जल्दी आ गया गैस। यहाँ पर हमने झिंगापट्टा और चिंगली वाला ये मिर्ची, और हम लोग जल्दी आ गया था इसलिए अभी तक नहीं आया सब्जी बेचने वाला लोग। इसमें ले चुके हैं झिंगापट्टा इस बहन जी से। यहाँ पर बाजार लग रहा है अभी, और यहाँ से मशरूम भी लिया है, और लेंगे ये वाला केला के फूल। इसमें ले चुके हैं केला के फूल, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलते हैं जंगल पे जाने के लिए सब्जी लेने के लिए। और यहाँ से ले रहे हैं सब्जी, तो खेत में तो बहुत ही मिलता है सब्जी, तो टाइम ही नहीं है जंगल पे जाने के लिए। और केला के फूल भी मतलब लोग सब तोड़ तोड़ के बेचते हैं, इसलिए मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए आगे अच्छी तरह बाजार की तरफ, तो और टाइम भी नहीं मिलता है इसके लिए। यहाँ पर हैंडसम हैंडसम किंग चिल्ली कितना का है? हाँ मलकिन, कितना का है किंग चिल्ली? कितना रुपए का? ओ, 20 का है वो। कितना पीस है? 15 पीस हो सकता है। हाँ 15 पीस बहुत ही सस्ता है, 20 रुपए का 15 पीस किंग चिल्ली। और यहाँ से ले रहे हैं बितरक प्लांट, और ये मिर्ची हाई मिर्ची किलो कितना? 120 बहुत महंगा हो गया, महंगा तो होगा। हाँ तो खेत में तो मिलते हैं 40 में 50 में, तो मार्केट में महंगा होते हैं आते आते, लेकिन बार्गेनिंग करने से सस्ता करके मिलेगा। यह बितरक प्लान हैंडसम हैंडसम बितरक प्लान। तो धीरे धीरे करके आदमी आ रहे हैं। यहाँ पर फूल हैंड बैग, तो जंगली सब्जी काफ़ी भारी होते हैं गैस, और यहाँ पर सब्जी थोड़ा महंगा होते हैं, तो हमारा वहाँ पर थोड़ा सस्ता होता है, क्योंकि ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट में है ना, ये हमारा वहाँ से लगभग पड़ता है 18-20 किलोमीटर दूर है। ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये केमिकल वाला, ये भी ऑर्गेनिक नहीं, सब केमिकल। और बस हम लोग सब्जी का वो मार्केट घूमा है, तो कपड़ा का मार्केट इस तरफ है आगे की तरफ। सो अभी जाएंगे घर की तरफ, पता नहीं प्रियंका जी कहाँ गया हो, वहाँ पर गया कुछ सब्जी लेने के लिए जंगल का सब्जी, तो वो चीज़ तो मैं भी हाथ के लिख सकता हूँ, लेकिन उसको काटने के लिए काफ़ी मुश्किलों से झेलना पड़ते हैं, इसलिए जंगल नहीं जा रहे हैं। तो ठंडा का हजम में जाएंगे जंगल पे वो चीज़ पाने के लिए। यहाँ पर तो हो गया फुल, बहुत ही बड़ी है, बाइक को इसमें पार्किंग कर दिया हूँ। सो इस मार्केट में फल बहुत ही महंगा होते हैं, एप्पल भी इतना कुछ होते हैं, एप्पल अंगूर भी बहुत ही महंगा होते हैं, और जगह पर पिताजी लोग को मिलते हैं वो खेत में थोड़ा घुसते जाएंगे सीधा, तो यहाँ से कुछ फल ले रहे हैं। पैसा पूरा कस्टम आया था हम लोग 1000 रुपया लेकर, सब कबाग जा रहा है यहाँ से। यहाँ पर है कपड़ा की दुकान है, इस तरफ है सब्जी की दुकान है, और इस तरफ ज़्यादातर बीच में रहते हैं वो ड्राई फिश का दुकान है वो किराना वाला, और इधर में बस फल वाला। सो अभी खेत में फंस गए हैं, पिताजी भी वो रेस्ट कर रहा है खेत से आने के बाद, और हम लोग इसमें कुछ चीज़ें छोड़ के आते हैं खाने का चीज़ें। अभी मम्मी पिताजी खा रहे हैं एप्पल सुबह सुबह, तो हमारे यहाँ पर एप्पल वो कैमरा दिखाने के पहले बोलता है कि तू इतनी उसका कैमरा निकला कितना, तो उसका 200 में दे दिया। मुझे तो बहुत पसंद है, खाने का बहुत मन है। बाजार से ला देता है, मिधु बाजार से, संदे बाजार से। हाँ बहुत प्यार से दिया है, प्यार करते हैं हम को, रोज रोज लेके आते हैं हमारे लिए। सो गाइस अभी जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मंदिर पे भोजन में डोनेशन करना है, तो हम लोग का टाउन है, तो कब आएंगे आप लोग? देखेगा आज रात को आएगा, रात को। आखिरकार पहुंच गए हैं घर पे, कालुआ
कालू म्यूजिक। ए कालू वहाँ जवान हो गया, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है। म्यूजिक। तो दोस्तों सब के सब जंगली सब्जी लेके आए हैं, बहुत ही महंगा होता है ये जंगली सब्जी, क्योंकि जो लेके आते हैं उसको पता होता है कि जंगल पे काफी सारे झूक कीड़ा मकोड़ा खाते हैं, ब्लड बहते हैं, हाथ पैर खा जाता है, इसी का वजह से जंगली का सब्जी बहुत ही महंगा होता है। तो ये चीज तो मेरा फेवरेट है। ये है जंगली मशरूम, तो ये एक्चुअल में इसका प्राइस है 80 रुपीज। तो उसका हाथ में एक बच्चा देखने के बाद इसको 20 रुपया ज़्यादा दे दिया। सो गाइस यहाँ पर है किंग चिली और मिजंगा पट्टा, केला के फूल और बैंगन और ये वाला भी केला के फूल, और यहाँ पर भी है ये मम्मी पापा के लिए। मेरे पिताजी के लिए क्या दिया? एप्पल दिया बस। शाम को आएंगे हम लोग ये खाएंगे। और ये हमारा बहनवा सफेद ड्रेस पहन के कातरी है, तो बहन का थोड़ा तबीयत खराब है, इसलिए स्कूल नहीं गया, कल जाएगा ना। ओके। और यहाँ पर बैंगन और मिर्चा पत्ता के साथ बॉइल करके रख चुके हैं बैंगन, और यहाँ पर है बितर एक प्लांट्स, वाह बढ़िया। और यहाँ पर है जंगली मशरूम कुकिंग हो रही है, क्योंकि प्रियंका जी कहाँ देने वाली है? मंदिर हम नहीं जाएंगे, शिवो जाएगी मंदिर में, भोजन दर्शन करेंगे ना। सुबह भी गया था। ओके, बढ़िया से जाना, सामने ही है। खाने का वक्त आ चुका है और बहन और पिछली वो लोग जाएंगे मंदिर पे भोजन दान करने के लिए, तो वहाँ पर वो लोग खाना खा के आएंगे। तो हम लोग बहुत सिंपल में और प्रियंका दोनों रहेंगे, तो खाना खाते हैं अभी। और बैंगन में से पता, और ये है वाह बेहतर एक प्लांट, और ये है जंगल का मशरूम, पूरा लोकल ऑर्गेनिक नेचुरल गायस। सो गायस इसमें आ चुका है खाना, और ये है किंग चिली, मुझे जंगल में मिलता है बस ये वाला जंगल का मशरूम। किंग चिली बैंगन में जगह पत्ता, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत ठीक है किंग चिली। मशरूम जिंदाबाद, बेच मुकबंग, कौन जोड़ो जिंदाबाद, हाँ बढ़िया। आज फर्क नहीं है, सिक्का नहीं, आज पूरा बेच दे रहे बेचा फास्ट। आंखों से फल आसपर गाय जिंदावत कर दूंगा। मुझे और चाय चावल आंखों से आंसू लगा, मशरूम खाने के चक्कर में मेरे आँख झुल गई, अभी खाऊंगा।
सो गाइस मैं फिर से लेकर आया चावल और सब्जी, मजा आया गाइस। तो गाइस कुछ लोग बहुत दीवान करते हैं कि मुकबांग के वीडियो आने पे, तो मैं पीछे फर्दा भर भी लगाया हूँ। तो कुछ लोग गाले देते हैं मुकबांग का, इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ, लेकिन आज स्टार्ट कर दिया हूँ मुकबांग बनाने का। तो बुझते नहीं गाइस। तो दोस्तों फाइनली काफी के कम्प्लीट होने के बाद बहुत तरफ बहुत रेस के हैं, अभी चलेंगे प्रियंका लोग के तरफ में। तो यहाँ पर दोपहर, तो यहाँ पर कुछ सब्जी लेके आना बाजार से, वहाँ से थोड़ा लेके जाएंगे। तो ज़्यादा लेके नहीं आया सब्जी, और बहुत गर्मी है गाइस, 37-38 इतना गर्मी है आज, बहुत दिनों के बाद। तो गाइस कैसे लग रहा हूँ मैं सफ़ेद कपड़ा से, कमेंट करके बताना। सो दोस्तों मैं नदी के अंदर आ चुका हूँ पूरा इतना धूप में वीडियो अपलोडिंग करने के लिए। तो गाइस काश हमारे गाँव पर भी होता फायर जी। तो हमारा गांव से ये लगभग होता है 5 किलोमीटर से ज़्यादा, इसमें बढ़िया से न चलते हैं फायद जी। कालू वहाँ फायद करने का नहीं है, कालू फायद मत करना है, कालू सिंगार फायद मत करना। तो दोस्तों ये लोग दोनों एक्चुअल में ना मेरे पास आने के लिए वो फायद कर रहे हैं, तो मैं लाल वालों को बोला हूँ, तो इसलिए ये हमारे घर का कालुआ, तो उसको थोड़ा गुस्सा रहा है, मतलब जुलूस हो रहा है उसको, जुलूस फील हो रहा है उसको। कालुआ मत घूमो कालू। तो अभी घर पे जाते हैं, और आज तो मम्मी और पिताजी लोग शायद आ सकते हैं, तो मेरा मोबाइल में कॉल करने के लिए टावर ही नहीं है। तो घर का कोना पे तरह तरह नेटवर्क मिलते हैं, उसमें मोबाइल को रख के कॉल करूँगा। कालू कहाँ देखता है, कहाँ भूखता है कालू, लगता है अंदर में सांप है। कालू ए कालू, अंदर पे सांप होगा शायद, इसलिए भूख रहे हैं कालूआ। सो गाइस यहाँ पर अमरूद पक गया है, तो यहाँ पर भी 4-5 तो पक चुके हैं यहाँ पर। सो फाइनली पहुँच गया पिताजी खेती से। अभी पहुँच गया हूँ, पहुँच फुसक कमाता है मिट्टी से, वो भी आ चुका हूँ अपना गोर खेती से। हाँ ये पूरा कंबल उमल सब कुछ लेके आया, तो पिताजी आने के बाद कालुआ काफी खुश हो गया। सो दोस्तों मैं कल अपना वीडियो को खत्म नहीं किया हूँ, तो इसलिए भूल गया था, तो रेस्ट किया था। सो दोस्तों आज के वीडियो को अभी खत्म करते हैं, तो मिलते हैं कल फिर से और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी तो ये वीडियो खत्म होने के बाद दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो अभी जाएंगे सीधा वीडियो को अपलोड करने के लिए नदी के किनारे। कालुआ कालुआ म्यूजिक हुआ सिंगर हुआ, तो बाय बाय और गुड नाइट।